नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। और मिड डे प्राइम में आइए रुख कर लेते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों का। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार बहुत जोरों पर है। सभी दल प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज टोहाना और जगाधरी में जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के साथ साथ चुनावी बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर से कुमारी शैलजा के नेतृत्व को लेकर जो टिप्पणी आई है वो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। इसी कारण से हरियाणा के लोग और कुमारी शैलजा के समर्थकों के द्वारा जनसभा में जाने से बहिष्कार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित समाज और आरक्षण के खिलाफ बोलती आई है। दलितों का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की असली पहचान है। पहले कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी ने कहा कि वो दलितों का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं और अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दलितों के नेतृत्व को समाप्त करने की पूरी साजिश हरियाणा में रची जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस की ही नेत्री कुमारी शैलजा जी अब उनके जनसभाओं में जाने से इनकार कर रही है, ना उनके समर्थक जा रहे हैं। उल्टा कुमारी शैलजा के समर्थकों ने मिलकर पुतला फूका है उन नेताओं का कांग्रेस के, जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं एक दलित महिला को लेकर। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है और कांग्रेस पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। और अब बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, जिसके बाद अब विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुंछ और श्रीनगर में जनसभा कर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात हमने बताई कि आज वे दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल पुंछ और श्रीनगर में जनसभा कर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। राहुल गांधी दोपहर 12 बजे पुंछ के सुरनकोट क्षेत्र में, करीब 1:30 बजे श्रीनगर के सेंट्रल शालटेंग निर्वाचन क्षेत्र में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो आज राहुल गांधी की दो रैलियां जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियां